जुलाई महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करें प्रतियोगिता दर्पण से। प्रतियोगिता दर्पण में एक जून एडिशन वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम जुलाई एडिशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, या मेरा नंबर है ये वाला नंबर, इस पर आप टेक्स्ट करना है, ये वाला नंबर 9582062485। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, साइक्लोन मोचा यानी चक्रवात मोचा है, इसको मोखा भी बोलते हैं। इस वर्ड का ओरिजिन कौन है? यमन है, यमन ने ये नाम दिया है। एक्चुअली ये चक्रवात बे ऑफ बंगाल में है, बस इतना ध्यान रखना है। यमन यहाँ पे कैपिटल है शना, और ये रेड सी से बॉर्डर बनाता है, अरेबियन सी से बॉर्डर बनाता है, वैसे देश में ओमान और सऊदी अरेबिया से बॉर्डर बनाता है। ये आपको पता है पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के चारों तरफ के कंट्री का नाम देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई है ये वाला, कतर, बहरीन, ये एक्चुअली कुवैत है, और ये इराक है, ईरान है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल वाला जो कंट्री है उसके भी नाम याद रखिएगा, वो भी यही सब है, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, और उसके अलावा कुवैत, ये है। चलिए अगला टॉपिक है, फर्स्ट कार्गो शिप जिसका नाम है MVV ITT लायन, ऐसे करके कुछ नाम है, ये कहाँ से रवाना हुआ? कोलकाता से। कोलकाता पे जो हमारा पोर्ट है उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये यहाँ से गया सितवे। सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार के रखाइन स्टेट में है। रखाइन स्टेट में, यहाँ देखो, कोलकाता से सितवे पोर्ट गया पहली बार कार्गो शिप, ये याद रखिएगा। ये इनका जो एक प्रोजेक्ट था ना, काला दान प्रोजेक्ट, उसके थ्रू ये सितवे पोर्ट बना है। एक और है एटा हार्बर पोर्ट, ये मालदीव्स में बना है, और इनॉग्रेट उन्होंने किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। अगर आप मालदीव्स के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आप 8 डिग्री चैनल करिए। एक्चुअली पहले 9 डिग्री चैनल करते हैं, लक्षद्वीप और मिनी कुवा के पीछे 9 डिग्री चैनल, और मिनी कुवा और मालदीव्स के पीछे 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके पीछे? अंडमान और निकोबार के बीच, ठीक है। नॉर्थ आइल अंडमान से ऊपर नारकोंडम आइलैंड है जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, और मिडिल अंडमान से ऊपर बैरन आइलैंड है जो कि डोरमेंट वोल्केनो है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक डंकन पास, ये याद रखिए। सबसे सदर्न पॉइंट है ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है देवकी लैंड पोर्ट, देवकी इंडिया, और ये कहाँ पे? मेघालय में है, जिससे इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड है ना बूस्ट होगा। मेघालय का फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 एज ए स्टेट। चीफ मिनिस्टर तो हमको पता है, उसके बाद कैपिटल, तीन मेन ट्राइब रहते, तीन मेन ट्राइब भी यही है और तीन मेन पहाड़ भी यही है, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखिएगा, बाल पक्रम नेशनल पार्क, उसका नोकरेक मेन फेमस है, नोकरेक नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा। अगर बात करें थोड़ा बॉर्डर देख लेते हैं, जो म्यांमार है ना, म्यांमार किस किस से बॉर्डर बनाता है? अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से। और बांग्लादेश क्या किस से बॉर्डर बनाता है? त्रिपुरा, मेघालय, आसाम से। तो ये तीन अलग है, ये चार अलग है, बट एक मिजोरम कॉमन है, मिजोरम से दोनों बॉर्डर बनाते हैं। तो ये तीन अलग है, ये तीन अलग है, बट मिजोरम दोनों में है, मतलब बांग्लादेश के बॉर्डर में ही और म्यांमार के बॉर्डर में ही। अगला टॉपिक क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर जिनेवा है, उसने मंकी पॉक्स और COVID-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है। क्या कर दिया है? मतलब ये अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा, किस किस को? मंकी पॉक्स को, और मंकी पॉक्स के अलावा COVID-19 को। उसके अलावा एक संस्था है
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो हमारे इकोसॉक को जो बॉडी है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसका ये पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड क्वार्टर है बैंकॉक। इसने एक रिपोर्ट निकाला है, रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड पैसिफिक। एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड पैसिफिक, पता है, पूछेगा सिंपल, कौन निकाला है? UNESCAP, मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एक देश के साथ हमने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया, कौन है? बांग्लादेश के चलाया, बांग्लादेश, बांग्लादेश। पापुआ न्यू गिनी काफी न्यूज में था क्योंकि पहली बार पीएम मोदी पहुंचे हुए थे, भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी गया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये है सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, बिस्मार्क सी है यहाँ पे, हुआन गल्फ है, ठीक है ना, इसके साउथ में कोरल सी है, टोरेस स्ट्रेट है इसके साउथ में, गल्फ ऑफ पपुआ है, ये सब कुछ चीज़ें ध्यान रख सकते हो। पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। नेपाल ने अनाउंस किया, अपन देखो, नेपाल अपने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक स्पेशल टूरिज्म एयर लाया है, ठीक है ना। ये कब? 2025, मतलब 2025 का जो साल होगा, नेपाल के लिए स्पेशल टूरिज्म ईयर होने वाला है। इंडिया इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे बन रहा है? IIT मद्रास, मतलब इंडिया इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे बन रहा है? IIT मद्रास में। एक वोल्केनो आया है, वोल्केनो का नाम है पोपो कैट पीटल वोल्केनो, पोपो कैट पीटल वोल्केनो, पोपो कैट पीटल वोल्केनो। ये कहाँ पे वोल्केनो ने क्या निकला है? ये मैक्सिको में, मैक्सिको में। या थोड़ा मैप देख लेते हैं, ये अगर मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मैक्सिको से बॉर्डर कौन देश बना था? यहाँ पे देखो, गुएटमाला, गुएटमाला, ठीक है ना। गुएटमाला के अलावा यहाँ पे आपको वैलीज है, और कैरिबियन सी है, होंड्रूज है, अल सलवाडोर है, और ये अटलांटिक, दो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में कंट्री है। अगला है, तमिल कम्युनिटी ने के क्या मनाया है? गंगा पुष्करुलु कुंभ मनाया है। ये एक्चुअली सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज इवेंट है जो हर 12 साल में होता है, ये हमको पता है। इसका मतलब ही होता है, पुष्करुलु का सिंपल मतलब होता है आप रिवर गंगा में एक डुबकी लगाते हो, ठीक है ना। ये वाराणसी में हुआ, तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने किया है। देखो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आप सिंपल पूछेगा, पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एडॉप्ट किया है? मेरा पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एडॉप्ट किया? वो है रिलायंस इंडस्ट्री वाले, जो रिलायंस की इंडस्ट्री इंश्योरेंस वाले जो कंपनी है ना, वो पहला केबल स्टे ब्रिज, ये कहाँ पे बना है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। ये जो रेल लिंक है ना, जिस जो कनेक्ट करता है उधमपुर से बारामूला वाया श्रीनगर, उसी का पार्ट है ये ब्रिज। फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल कहाँ पे बन रहा है? मुंबई में, फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल, ठीक है ना। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र में बन रहा है, ये रत्नागिरी में। फर्स्ट इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर कौन बना रहा है? अडानी, ठीक है ना। और ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर एंड टेक बिजनेस पार्क, ये कहाँ पे बन रहा है? आंध्र प्रदेश में। लिथियम कहाँ पे मिला है? लिथियम मिला है राजस्थान में, और ऐसा बोला जा रहा है कि भारत के 80% लिथियम के डिमांड को फुलफिल बस यही कर देगा। पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ पे चला? यूपी में, पोर्ट टैक्सी परियोजना यूपी में, याद रखिएगा। उसके अलावा तेलंगाना के बारे में एक न्यूज है, देखो, स्वच्छ भारत मिशन जो विलेज है, ग्रामीण वाला है, उसमें एक रिपोर्ट आया है कि कौन सा स्टेट है जिसका पूरा गांव
ODF सिर्फ घोषित नहीं है, ODF प्लस घोषित है। पूरा का पूरा स्टेट का गांव यह तेलंगाना। अनाउंस किया मेजरिंग प्रोसेस ऑन द एसटीजी, मतलब पहला शहर कौन है जिसने अपने जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उसको मेजर करे, वो है भोपाल। पहला शहर बना है भोपाल, पहला शहर बना है जिसने एसडीजी को मेजर करेगा, ठीक है, उसके प्रोग्रेस को मेजर करेगा। रिवर कोस्ट कोस्ट टूरिज्म सर्किट, ये कहाँ पे बना है? आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे, ठीक है ना। रिवरीन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट, जिसमें 7 रिलीजियस प्लेस को जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे उसको जोड़ा गया है। पहला स्टेट जिसने गुड गवर्नेंस को रिसेंटली अप्रूव किया, गुड गवर्नेंस पॉलिसी को, महाराष्ट्र। 570 मीटर स्काई वॉक पुल बना है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। उसका दो दो लव कुश वाटिका हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, किस राज्य ने ऐसा बोला है? ये बोला राजस्थान ने। पार्लियामेंट का इनाग्रेशन किस दिन हुआ? 28 मई को। क्यों? क्योंकि वी डी सावरकर जी का जन्मदिन है 28 मई, ठीक है ना। उसके अलावा महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, अभिनव भारत सोसाइटी, कई चीज़ें किया था। यूनाइटेड किंगडम गए थे और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी बनाने में मदद की थी, हेल्प किया था। प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के 1937 से 1943। इन्होंने किताब लिखी था द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 वाले क्रांति में। उसके इन्होंने किताब लिखी थी हिंदुत्व, हु इज हिंदू, किताब लिखी थी। उसके बाद कई चीज़ और लिखी थी, उन पे चार्ज लगाया गया इसमें मॉडर्नमेंट रिफॉर्म्स के समय में, ठीक है। उसके वन ऑफ द चार्जेज ऑन सावरकर वॉज अबेटमेंट टू मर्डर ऑफ नासिक, के इसमें उन्होंने क्या किया? अबेटमेंट किया। कॉन्स्पेरेसी वगैरह सब लगा उन पे, बस इतना ध्यान रखना। काला पानी की सजा हुई 2 बारी। पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज करना शुरू किया, ये है पटना नगर निगम। कौन सा इंश्योरेंस कंपनी? तो रिलायंस वाली। अराकू वैली कॉफी और ब्लैक पेपर को जीआई टैग, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में। खीर भवानी फेयर कहाँ पे हुआ? मेला, मेला जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया का ग्रोथ नीति आयोग के हिसाब से 6.5% रहने वाला है। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015, ये दो पोस्ट याद रखिए। आपको पता ना, चेयरपर्सन तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, और सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है। अगला टॉपिक क्या है? रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है ऑन ग्लोबल मटेरियल मैटरनल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है ना। ये रिपोर्ट आया है, इसमें इंडिया का रैंक आया 1, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। बहुत सारे चीज़ों पे है कि मैटरनल डेथ, स्टील बर्थ, न्यू बॉर्न डेथ, इंडिया 17% इस सबका होता है। उसके बाद नेशनल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, इसमें केरला लार्जर स्टेट में 19 में से पहला आया है, और लार्जर स्टेट में बिहार है 19वां, यानी नेशनल हेल्थ इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है, केरल सबसे ऊपर है। लार्जर स्टेट की बात करते हैं। सिल्वर अवार्ड, देखो एक ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड हुआ है, ध्यान देना है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, उसमें सिल्वर अवार्ड मिला है चेन्नई मेट्रो को, बट गोल्ड गोल्ड अवार्ड मिला है, ध्यान देना, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड मिला है अपने सीएसआर के लिए, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। किसको? एक महारत्ना कंपनी है जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सो इसको गोल्ड मिला है, अलग अलग फील्ड के लिए इसको सिल्वर मिला है। इन ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड में इनको ग्रीन वाले करने में इनको मिला है सिल्वर, और इसको सीएसआर के लिए इनको गोल्ड मिला है। स्वच्छ विरासत अवार्ड जिसको हुडको अवार्ड मिलता है, किसको मिला है? यूपी को, ठीक है ना, स्वच्छ विरासत अवार्ड। और ये किस अवार्ड मिला है? द बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरमेंट, मतलब हुडको अवार्ड। लिपजिंग बुक अवार्ड किसको मिला? मारिया स्टेपोनोवा को मिला, इनकी किताब का नाम है गर्ल विदाउट क्लोथ।
पैल्मेडोर अवार्ड किसको मिला? माइकल डुगलस को। पुलित्जर प्राइज इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला? न्यूयॉर्क टाइम्स को। बी आर अम्बेडकर अवार्ड किनको मिला? ये कुछ अवार्ड्स हो है योगी आदित्यनाथ को। आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? जॉर्जिया गोस्पोदिनोव। बुकर प्राइज अलग है। लॉन्गेस्ट सॉन्ग कौन है? रामचरित मानस। इनको अवार्ड मिला है, ये गाया है जहदीश पिल्लई ने वाराणसी के है, और गिनीज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑलमोस्ट 138 आर का है। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजो को मिला। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सात्विक और चिराग शेट्टी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। सात्विक सायरा और चिराग शेट्टी ने दोहा डायमंड लीग जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। लीवरेस्ट स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर यह है लियोनल मेसी। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 ये हुआ कहाँ पे हुआ? प्लेस बस पूछा है, साउथ कोरिया में। उसके बाद एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। इंडिया का टेबल में पोजीशन क्या है? इंडिया का टेबल में था पोजीशन है 4th। इंडिया 3 ब्रॉन्ज जीता है, दीपक कुमार भूरिया ये ब्रॉन्ज, मोहम्मद हुसैन और निशान दे ये तीनों के तीनों क्या जीते? ब्रॉन्ज। देखो उसके अलावा ISSF वर्ल्ड कप 2023 जो कि बाकू में हुआ अजरबैजान में, इंडिया की रैंक है 2nd और ओएसए चाइना की रैंक है 1st। किस गेम में एक सॉफ्ट सिग्नल करके एक टर्म होता था उसको एबॉलिश कर दिया रिसेंटली क्रिकेट में, आईसीसी ने कर दिया। हु वॉन द मेन्स टाइटल ऑफ इटालियन ओपन टेनिस? इटालियन ये कौन जीता है? डेनियल मेडवेदेव, ये रसिया के हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट है। सबसे पहले यूपीएससी के नए चेयरमैन मनोज सोनी साहब। उसके बाद जो टर्की के कौन बने प्रेसिडेंट? अर्दोगन फिर से बने टर्की। यहाँ पे देखो टर्की दो वाटर बॉडी के बीच है, एक है ब्लैक सी और एक है मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद देखो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं बोस्पोरस स्ट्रेट। सी ऑफ मरमरा और एगियन सी के बीच जो स्ट्रेट है उसका नाम है डेंड्रेलेस स्ट्रेट, ठीक है ना। उसके बाद ये अंकारा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये साइप्रस देश से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुई इंडियन हैज रिसेंटली मतलब अभी उनको इंडक्ट किया गया है जो कंसल्टेटिव कमिटी है ना, COP18 का, COP18 का, ये दो लोग हैं मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रिसेंटली अपॉइंट किनको किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है बिग कैचअप और प्रेट इनिशिएटिव, दोनों का अलग अलग है। प्रेट का मतलब होता है प्रिपेयरनेस फॉर रेजिलियंट एंड इमर्जिंग थ्रेट, ये WHO का है, दोनों WHO का है याद रखिए। बिगेस्ट कैच अप ये भी लॉन्च किया है WHO, यूनिसेफ और बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ऑपरेशन लंदन ब्रिज या ऑपरेशन यूनिकॉर्न ये कब एक्टिवेट हुआ? जब डेथ होता है एलिजाबेथ का, ये इंग्लैंड में चलता है, मतलब कोई भी उनकी क्वीन का डेथ होता है तो ये लंदन ब्रिज ऑपरेशन आ जाता है ताकि आगे क्या किया जाए अगर क्वीन का डेथ हो जाएगा। मिशन परिवर्तन ये इंप्रूव करेगा हेल्थ सर्विस के लिए किस राज्य का है? बिहार का। किस राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम चलाया गया? उत्तराखंड में। किस राज्य में चीफ मिनिस्टर ने अर्न एंड लर्न स्कीम चलाया है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किसने चलाया? मध्य प्रदेश ने। उसके बाद कुछ डी है, प्रेस फ्रीडम डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 3rd में। थीम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ड्राइवर फॉर अदर ह्यूमन राइट, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना ये, अगर होगा तो इसके अलावा और भी ह्यूमन राइट मिल सकते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी वेन हैज नेशनल टेक्नोलॉजी हैज बीन सेलिब्रेटेड, ये कब नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 11 मई को। स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स।
इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई को। थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। एक्सरसाइज की बात करते हैं, अजॉय वॉरियर किसके साथ है? इंडिया और ब्रिटेन के साथ है, और ये इस बारी भी ब्रिटेन में हुआ है। बुलंद भारत एक्सरसाइज किसने, कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। बुलंद भारत एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने किया है। बुक और ऑथर क्या है? कुछ ही बुक है, एक है इनके बारे में किताब है, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में किताब है। ये किताब लिखी है कस्तूरी रे ने, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा जी के बारे में, किताब का नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। एक किताब है द गोल्डन ईयर्स, ये रस्किन बॉन्ड का किताब है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ न्यूज है, किसने चैट जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, उसके जगह पे गीगा जीपीटी बना लिया है, गीगा चैट बना लिया है रसिया ने। उसके बाद किसने अभी स्ट्रॉबेरी सेंसर लॉन्च किया है ताकि स्टार का करेक्ट पोर्शन पता चल जाए, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी सेंसर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी मून सेंसर, ये डेवलप किया है MIT ने, ठीक है ना। या यहाँ पे ये MIT नहीं है, ये है एक्चुअली इंडिया का है ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। लॉन्च तो वही ऑब्वियसली इसरो करेगा, बट इन्होंने डेवलप किया, इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। मैं PDF दे दूंगा ना, वो तो उसमें चेंज कर देना। यहाँ पे जो इनके द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में किताब बताया ना, उन किताब का पूरा नाम है आप लिख देते हैं, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायलसीमा हिल्स, ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायलसीमा हिल्स, रायसीना हिल्स। कौन सा स्पेस सेक्टर, स्पेस कंपनी है या एजेंसी है जिसने बोला कि वो कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाएगा बाय 2025 तक? ये नासा ने बोला है। उसके बाद कौन सा एक ऐप लॉन्च किया जिसमें आप खोए हुए मोबाइल को पता कर सकती है? संचार साथी पोर्टल। छठा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ बांग्लादेश में, थीम क्या है? पीस प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट फ्यूचर। किसने रिकॉर्ड बनाया 28वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का? ये रिकॉर्ड है कामी रीता शेरपा जी का। 49th G7 समिट, ये जापान में, उसके अलावा हिरोशिमा में। उसके बाद क्वाड समिट जो 2023 का हुआ मई में, ये भी जापान में हुआ। एक लास्ट करेंट अफेयर्स है, रैंकिंग में जैवलिन थ्रो वाली रैंकिंग में नीरज चोपड़ा टॉप पोजिशन पर पहुंच चुका है, टॉप, ठीक है। तो ये हमारा प्रतियोगिता रेफर पूरा कवर हो गया। आपको कोई डाउट हो तो आप टेक्स्ट जरूर करना, और आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर मैसेज जरूर करना। और ये पूर्वावलोकन वाला घटना चक क्राउन बहुत फेमस, और SSC के लिए तो आप 9582062485। अब एक चीज और है कि देखो, चार बुक है, क्राउन, घटना चक्र, लुसेंट और एनसीईआरटी समरी। इन सब के बुक से एक एक PDF मैं बना रहा हूँ, और वो PDF यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा। वो PDF यहाँ पे है, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियन मिलिटेंट मूवमेंट वाला, गांधीयन वाला, और इसका आपको वीडियो भी मिलेगा, इसका आपको अगर चाहिए वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे टेक्स्ट करके 9582062485। थैंक यू।